इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 में सूर्य कुमार ने रचा कई सारे ऐसे इतिहास, कई सारे रचा ऐसे कीर्तिमान जो आज तक किसी ने नहीं किया था। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हयात क्रिकेट टीवी में। वीडियो में एंड तक बने रहिए, चलिए इस वीडियो में पूरा जानकारी बताते हैं। सूर्य कुमार यादव ने ऐसे कई कीर्तिमान स्थापित किए आज के हुए मैच में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी सूर्य कुमार यादव का फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। एबी डिविलियर्स के बाद अगर दुनिया में कोई 360 डिग्री खेल सकता है तो वो सूर्य कुमार यादव है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा के बाद कोई ऐसा बल्लेबाज है जो एक साल में दो डबल सेंचुरी बनाया हो T20 में, तो वो सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव ने एक सीजन में दो T20 शतक मारने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज है। पहले बल्लेबाज बता दें आपको कि रोहित शर्मा। आपको बता दें कि रोहित शर्मा के बाद दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव जिसने एक साल में दो T20 शतक जड़े हैं। इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 शतक जड़ा था सूर्य कुमार यादव ने। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री खेलने वाला दुनिया का दूसरा बल्लेबाज है। एबी डिविलियर्स के बाद कोई ऐसा बल्लेबाज आया है जिसने किसी भी गेंदबाजी का बद्दियां उखेड़ देने का काम करता है, तो वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के सामने कोई भी बॉलर नमस्तक हो जाता है, किसी भी बॉलर को कहीं भी शॉट मारने का दम रखता है। लोकी फर्ग्यूसन और टीम सऊदी के सामने किसी भी बल्लेबाज का दहंगड़ी निकल जाता है, किसी भी बल्लेबाज का हेकड़ी निकल जाता है, और टीम सऊदी और लोकी फर्ग्यूसन को इस हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा है, इस हिसाब से सूर्य कुमार यादव ने सभी को फोड़ा है कि लग रहा था जैसे सूर्य कुमार यादव के सामने सब गेंदबाज नहीं बच्चे जो गिल्ली क्रिकेट खेलते हैं वो आ गए हैं। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव किसी भी गेंदबाज को बच्चे की तरह खेलता है और बाउंड्री के चारों तरफ शॉट लगाने का दम रखता है। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव किसी भी बॉल पे स्कूप हुप और स्वीप और स्क्वीप कुछ भी कोई भी शॉट लगाने का दम रखता है। स्कूप शॉट भी खेलता है जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको बता दें कि कवर के ऊपर, लॉग ऑन लॉग ऑफ के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर, मिड विकेट के बीच कहीं भी सूर्य कुमार यादव शॉट खेलने का दम रखता है। आपको बता दें कि थर्ड मैन से लेकर के लेग साइड तक सूर्य कुमार यादव से बेहतरीन बल्लेबाज अभी वर्ल्ड में वर्तमान समय में कोई नहीं है। आपको बता दें कि विराट जैसा टेक्निक नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को देख करके लगता है कि एबी डिविलियर्स के बाद अगर कोई बल्लेबाज है जो एबी डिविलियर्स को चैलेंज कर सकता है तो वो है सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स अपने जीवन काल में कभी भी T20 और वनडे में 100 बॉल नहीं खेले हैं 100 रन बनाने के लिए। वैसे ही सेम खिलाड़ी अगर कोई है जो इस दुनिया को मिला है तो वह है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव भले ही इंडिया के लिए खेल रहे हो, लेकिन दुनिया में वर्तमान समय में सूर्य कुमार यादव ही वो बल्लेबाज है जो किसी भी टीम के खिलाफ 100 गेंद नहीं खेलता है 100 रन बनाने के लिए। वो 100 रन बनाने के लिए महज 50 से 60 बॉल लेता है, वो कहीं भी 50 से 60 बॉल में 100 रन बनाने का दम रखता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।